मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो सर्वेइंग का हमारा टॉपिक है कंपास को आगे बढ़ाते हुए, आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे ये आपके क्वाड्रेंट पर शो करा जाती है आज के टॉपिक में हमें ये देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स फोर बेरिंग और बैक बेरिंग। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने WCP और RBA एक दूसरे में कैसे कन्वर्ज करनी थी ये हम पढ़ चुके हैं। उसके उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं फ्रेंड्स, आप जानते हो कि टॉपिक एंड हो जाने पर मैं आपको उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब मैं आपको एक वीडियो में करा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक जब हमारा एंड हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल में दोनों ही मैं आपको कवर कराता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग क्या होती है, कैसे हम इनको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं फोर बेरिंग। फ्रेंड्स, जो फोर बेरिंग होती है, अभी आप देखोगे हमारे पास मान लो कोई लाइन है AB। ठीक है, उस लाइन AB को कैसे दिखाई जाती है ये आपको देखना है। ठीक है, आपको दे दिया गया है कि AB लाइन की फोर बेरिंग है, BB उसकी बैक बेरिंग है। फोर बेरिंग बैक बेरिंग का मतलब होता है कि सर्वे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ी गई बेरिंग फोर बेरिंग, सर्वे की किसी भी लाइन की आगे की दिशा में पढ़ी गई बेरिंग फोर बेरिंग, और उसी लाइन की बैक दिशा में पढ़ी गई बेरिंग बैक बेरिंग होती है। डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद बताता हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप याद रखोगे सर्वे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर्ड की गई बेरिंग, मेजर्ड की गई बेरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की ओर मेजर की गई जो बेरिंग है वो आपकी फोर बेरिंग होती है, और सर्वे की बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजर्ड की गई बेरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आपकी बैक फोर बेरिंग होगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ोगे वो आपकी बैक बेरिंग होगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो याद रखना आगे की ओर, फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर, बैकवर्ड का मतलब पीछे की ओर। तो फोर बेरिंग, इसलिए इनको हिंदी में अर्ध दिक्मान और इसको पश्च दिक्मान कहा जाता है। ठीक है, पश्च का मतलब पीछे की ओर, अर्ध का मतलब आगे की ओर। तो ये तो इनकी बेरिंग की बात थी। ठीक है, अब इनको डायरेक्शंस में कैसे दिखाते हैं। सपोज करो आपको बोल दिया गया कि आपके पास कोई लाइन है AB और उसकी फोर बेरिंग इतनी है और बैक बेरिंग इतनी है, तो देखना ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखना है। मान लो हमारे पास ये कोई AB लाइन है, ये उसका A पॉइंट्स और ये उसका B पॉइंट्स, और ये हमारे पास है कोई AB लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई आपको बोलता है कि AB की फोर बेरिंग बैक बेरिंग ये है तो उसको आप ऐसे दिखाओगे। देखना, ये आपका होता है नॉर्थ, इधर ये आपका नॉर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमेशा जो बेरिंग मेजर करनी है वो नॉर्थ से मेजर करनी है, आपको नॉर्थ से दिखानी है। तो जब वो फोर बेरिंग की बात करेगा तो नॉर्थ से लाइन तक जो पड़ी गई बेरिंग होगी, नॉर्थ से उसी लाइन तक की जो पड़ी गई बेरिंग होगी वो आपकी फोर बेरिंग कहलाएगी। ये थीटा क्या है अभी यहां पर, ये थीटा इसकी फोर बेरिंग है। थीटा क्या है इसकी, ये फोर बेरिंग, AB की फोर बेरिंग, नॉर्थ से उसी लाइन पर पड़ी गई बेरिंग फोर बेरिंग, आगे की ओर पड़ रहे ना, और नॉर्थ से उसी लाइन के पीछे की ओर पड़ी गई बेरिंग, उसी लाइन के पीछे की ओर पड़ी गई बेरिंग, यानी कि यहीं से ये पीछे की ओर उसी लाइन तक पढ़नी है, उसी लाइन पर बैक आपकी फोर बेरिंग होगी और उसी लाइन के पीछे तक बैक बेरिंग होगी। तो नॉर्थ से उसी लाइन के पीछे तक ये आपकी कहलाएगी फ्रेंड्स, ये आपकी कहलाएगी बैक बेरिंग। क्लियर, अब आप देख सकते हो यहां पर कि आपके पास ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल कितना होगा, सम्मुख कोण बढ़े है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी फ्रेंड्स आपका थीटा होगा। क्लियर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये एंगल कितना होता है,
ये होता है 90 डिग्री, इधर ऐसे ही है 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, पूरा कितना जाएगा 180 डिग्री। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपकी ये बैक बेरिंग बन रही है 180 है प्लस थीटा ही है, तो बैक बेरिंग इसकी हो जाएगी 180 प्लस थीटा। बैक बेरिंग कितनी हो जाएगी 180 प्लस थीटा। दोबारा समझना, नॉर्थ से उसी लाइन पर पड़ी गई जो बेरिंग होगी फोर बेरिंग होगी, और नॉर्थ से उसी लाइन तक पीछे की ओर उसी लाइन तक पड़ी गई जो बेरिंग होगी वह उसकी बैक बेरिंग होगी। क्लियर? तो अगर हमारे पास ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और पीछे से जब हम मेजर करते आ रहे 180 हम इतना चले प्लस थीटा ही चले, तो 180 प्लस थीटा। आपको अगर हम यहां पर डिफरेंस निकाल ले, ठीक है फ्रेंड्स, देखना डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास देखना फोर बेरिंग कितनी है थीटा है, फोर बेरिंग कितनी है फ्रेंड्स थीटा है, हम डिफरेंस निकाल ले माइनस बैक बेरिंग कितनी है 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, तो थीटा इसे ओपन करोगे माइनस 180 और माइनस थीटा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कितना चाहिए कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 180, क्या बच गया फ्रेंड 180। ये माइनस मत समझना, बैक ज्यादा वाले में से कम वाले को बढ़ाते हैं, ठीक है हम ज्यादा वाले में से कम वाले, ज्यादा क्या था बैक बेरिंग, कम क्या है फोर बेरिंग, तो देखना 180 प्लस थीटा माइनस थीटा ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 180 डिग्री। तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आता है कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ठीक है फ्रेंड। बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का डिफरेंस ठीक 180 डिग्री होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो समझ जाना कि ये लाइन किसी ना किसी आपके अट्रैक्शन से प्रभावित है, ठीक है किसी ना किसी अट्रैक्शन से ये लाइन प्रभावित होगी, जिस कारण इनका डिफरेंस 180 डिग्री आपको पूरा नहीं मिला है। क्लियर फ्रेंड्स? हमेशा याद रखना है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस ठीक 180 डिग्री होता है। अब ये अगर 180 डिग्री नहीं होगा तो वो कौन सा अट्रैक्शन होगा, ये आने वाले टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा एक नाम आता है लोकल अट्रैक्शन, स्थानीय आकर्षण, ठीक है। स्थानीय आकर्षण का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो किसी भी आयरन फ्रीज से लोहे की वस्तुओं से आकर्षित हो जाती है, ठीक है वही हमारा लोकल अट्रैक्शन है। क्लियर फ्रेंड्स? मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्शन लोकल अट्रैक्शन है, आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बस समझ जाना कि अगर 180 डिग्री डिफरेंस नहीं आता तो वहां पर लोकल अट्रैक्शन है, इस लाइन पर लोकल अट्रैक्शन है। क्लियर फ्रेंड? ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझ में आता है। अब क्वेश्चन ये कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग निकालते कैसे हैं, ठीक है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग निकालते कैसे हैं, अब हमारा क्वेश्चन ये है। क्लियर? तो देखना कैसे करना है। तो देखना फ्रेंड कैसे निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि यदि फोर बेरिंग आपको WCB के रूप में गिवन है, इफ फोर बेरिंग इज गिवन एज WCB। क्लियर फ्रेंड्स? अगर फोर बेरिंग जो आपको दी गई है WCB के रूप में दी गई है, जिसमें डायरेक्शन सप्लाई नहीं करते, तो बैक बेरिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है ये बैक बेरिंग पूछ रहा है कि कैसे निकालना है बताइए। तो आपको याद रखना है कि यदि फोर बेरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से कम दी है, जो फोर बेरिंग क्वेश्चंस में आपको दी गई है, अगर 180 से कम है उसका मान, तो उसमें उस फोर बेरिंग में प्लस 180 आप कर दोगे तो आपको बैक बेरिंग मिल जाएगी। अभी आपको बताया ना, ये आपको समझाया था अभी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और वो तो उधर से मुक्ति भी आएगी ना, ये पूरी वैल्यू होगी, तो थीटा और प्लस 180 तो इससे ज्यादा वैल्यू होती है। अगर ये 180 से कम हुई, क्लियर फ्रेंड्स, तो उसमें आप 180 इंक्रीज कर दोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, बैक बेरिंग निकल जाएगी। और यदि किसी कंडीशन में फोर बेरिंग की वैल्यू 180 से ज्यादा है तो 180 से ज्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या काम करना है, बैक बेरिंग निकालने के लिए उस फोर बेरिंग में से 180 माइनस कर दोगे। इसमें हमें तो 180 के क्राइटेरिया में रखना है ना, हमें तो इस क्राइटेरिया में रखनी है वैल्यू, ठीक है। तो आपको याद रखना है
कि अगर फोर बेयरिंग 180 से कम होती है तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए हम उसमें 180 जोड़ देते हैं, और 180 से ज्यादा होती है तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए 180 इसमें से माइनस कर देते हैं। कब? जब आपकी फोर बेयरिंग WCB के रूप में आपको दे रखी होगी। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन यदि फोर बेयरिंग इज गिवन एज RB या फिर QB बोल सकते हो, यदि आपको फोर बेयरिंग RB या QB के रूप में दे रखी हो तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना, मतलब छोड़ दे। अरे नहीं, मेरा कहना मतलब यह है, बहुत ही सिंपल है। कैसे? आप जानते हो कि RB और QB जो आपको दे रखा होगा वो नॉर्थ थीटा ईस्ट होगी या फिर नॉर्थ थीटा वेस्ट होगा या फिर साउथ थीटा ईस्ट होगी या फिर साउथ थीटा वेस्ट होगी। यही तो कंडीशन हो सकती है। QB या RB नॉर्थ से या साउथ से तो मेजर की जा सकती है, साउथ से ईस्ट जा सकती है या साउथ से वेस्ट जा सकती है, नॉर्थ से ईस्ट जा सकती है, नॉर्थ से वेस्ट जा सकती है। तो कोई बात नहीं, अगर नॉर्थ से और ईस्ट आपको याद रखना है, अगर नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है तो नॉर्थ का कर देना है साउथ और ईस्ट का कर देना है वेस्ट। बस डायरेक्शन परिवर्तन कर देनी है। मान लो अगर आपको लिख के दिया है कि नॉर्थ 28 डिग्री 10 मिनट वेस्ट, ये आपको दे दी उसने फोर बेयरिंग और कह रहा है कि इसकी बैक बेयरिंग बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, इस नॉर्थ का कर दोगे साउथ और वेस्ट का कर दोगे ईस्ट और ये सेम लिख दोगे 28 डिग्री 10 मिनट। क्लियर फ्रेंड्स? तो बस इसमें डायरेक्शन चेंज की जाती है, बाकी सेम रहता है। क्लियर? बहुत सिंपल है। और ये मतलब ना क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ बंदे मेरे भाई कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ा ज्यादा दिमाग यूज नहीं कर पाते। क्लियर? तो सभी के लिए ये चैनल ओपन किया गया है ताकि हिंदी इंग्लिश किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश वालों को इसलिए नहीं होने की मिक्स में चल रहा है, हिंदी वालों को इसलिए नहीं प्रॉब्लम होने की क्योंकि मिक्स में चल रहा है, ठीक है। तो बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ये, अच्छे से अच्छा सीखने के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसमें आप लिख सकते हो कि बैक बेयरिंग के लिए ठीक है, क्यूबी के नॉर्थ को साउथ से और साउथ को नॉर्थ से चेंज कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड? एंड वाइस वर्सा, ईस्ट वेस्ट भी चेंज करना है, ठीक है, वाइस वर्सा याद रखना बस तक, एंड वाइस वर्सा। क्लियर फ्रेंड? नॉर्थ को साउथ से चेंज करना है, साउथ को नॉर्थ से चेंज करना है, ईस्ट को वेस्ट से चेंज करना है, ठीक है, ईस्ट का चेंज वेस्ट में करना है, वेस्ट का चेंज ईस्ट में करना है। क्लियर फ्रेंड्स? बस ये पॉइंट इसमें याद रखना है। अभी इस पर एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी था, तो देखना ये क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन की फोर बेयरिंग आपको दी गई है साउथ 49 डिग्री 52 मिनट ईस्ट, और ये कह रहा है कि एज्यूम देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। यहां ये मान लिया गया है कि इस लाइन पर कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी स्थानीय आकर्षण नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक नीडल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं है। क्लियर? तो ये कह रहा है कि उस लाइन का बैक बेयरिंग बताइए। तो मैंने वो कहा था फ्रेंड्स, ये आपको एक आरबी या फिर क्यूबी के रूप में गिवन है, तो जब इसका आपने बैक बेयरिंग निकालनी हो तो आप डायरेक्शन चेंज कर देनी है, साउथ को आप कर दोगे नॉर्थ, ईस्ट को आप कर दोगे वेस्ट। तो देखना ये रहा साउथ 49 डिग्री 52 मिनट वेस्ट, ये। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्यों, आज के दौर में तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ये IES में पूछा गया था क्वेश्चन 1995 में, ठीक है, 1995 में IES के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्लियर? चलो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग से रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ अदर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। एक हमारा टॉपिक आता है इनसे रिलेटेड, इंक्लूडेड एंगल का। क्लियर फ्रेंड्स? इंक्लूडेड एंगल,
इंक्लूडेड एंगल निकालने के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको फोर बेरिंग और बैक बेरिंग गिवन होती है। तो क्या होता है ये इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, ये हमें देखना है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखना फ्रेंड्स, मान लो हमारे पास ये कोई लाइन है ए बी, ये ए और ये बी, और हमारे पास एक लाइन और है बी सी, तो बी सी यहीं से स्टार्ट करना है, बी और ये सी, ठीक है, ए बी बी सी, यहां पर दो लाइन कहलाएंगी है, एक पहली लाइन ये दूसरी लाइन, पहली और दूसरी ना कहने के बजाय हम ये कह देंगे कि ये पहली है तो ये इसकी नेक्स्ट लाइन है, तो ये हो जाएगी इसकी नेक्स्ट लाइन। कैसी लाइन ये, इसको बोल के चलेंगे यहां पर हम नेक्स्ट लाइन। अब ये नेक्स्ट है तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी प्रीवियस लाइन, पहली लाइन, इसको हम यहां पे नाम देंगे प्रीवियस लाइन का, प्रीवियस लाइन, पहली लाइन, पहली लाइन और नेक्स्ट लाइन। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं इंक्लूडेड एंगल क्या है। इंक्लूडेड एंगल आपका होता है कि नेक्स्ट लाइन के प्रीवियस लाइन से, नेक्स्ट लाइन के, नेक्स्ट लाइन के प्रीवियस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया जो एंगल है ये आपका कहलाएगा इंक्लूडेड एंगल। ये क्या कहलाएगा आपका, इंक्लूडेड एंगल, नेक्स्ट लाइन के प्रीवियस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल ही इंक्लूडेड एंगल आपका कहलाता है। क्लियर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस कंडीशन में, क्योंकि एबीसी हम यहां क्लॉकवाइज लेके चले हैं। क्लियर, अब कुछ ऐसी कंडीशंस भी आपके पास हो सकती है कि ये इधर आपका ए पॉइंट, इधर ही आपका बी पॉइंट, ये तो लाइन मिल गया आपको ए बी, और इधर ही आपके कोई सी पॉइंट यानी कि बी सी, तो आप देख रहे कि जो ये आपका ट्रेवर्स बनाया गया है ये आपका किस डायरेक्शन में बनाया गया है, ये आपको बनाया गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये कि जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हो तो जो एक्सटीरियर एंगल है ये कैसा एंगल है, ये आपका एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, कि जब आप कोई ट्रेवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हो तो एक्सटीरियर एंगल ही आपका इंक्लूडेड एंगल कहलाता है, और जब कोई ट्रेवर्स आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हो तो इंटीरियर एंगल ही, ये इंटीरियर एंगल ही आपका क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड एंगल। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, तब जो आपका ये इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल आपका क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड एंगल। तो एंटी क्लॉकवाइज में इंटीरियर की बात करते हैं और क्लॉकवाइज में आपका एक्सटीरियर की बात करते हैं। क्लियर फ्रेंड, तो जो इंक्लूडेड एंगल है चाहे एक्सटीरियर की कंडीशन बने या इंटीरियर की कंडीशन बने, उसके लिए हमारे पास दो लाइन होती है, एक नेक्स्ट लाइन एंड प्रीवियस लाइन, नेक्स्ट लाइन और प्रीवियस लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा क्या है, इंक्लूडेड एंगल है। क्वेश्चन ये होता है कि इस इंक्लूडेड एंगल को कैसे निकाला जा सकता है, इस इंक्लूडेड एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको नोट करोगे अभी देखते हैं। तो देखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम बेरिंग, बेरिंग से इंक्लूडेड एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो फॉर्मूला आप याद रखोगे कि इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल बराबर होता है फॉर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, फॉर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन की फॉर बेरिंग माइनस नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, प्रीवियस लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको नेक्स्ट लाइन की फोर बेरिंग चाहिए होगी और प्रीवियस लाइन की बैक बेरिंग चाहिए होगी, उससे आप उसका इंक्लूडेड एंगल बता सकते हो, ठीक है। तो बस याद रखना है कि फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन क्या होता है, आपका इंक्लूडेड एंगल होता है। क्लियर, याद रखना है यहां पर एक नोट कि यदि इस फॉर्मूले से वैल्यू नेगेटिव आती है, इस फॉर्मूले से वैल्यू फ्रेंड्स अगर नेगेटिव आती है तो मतलब समझ जाना कि वो बाहर ही निकल जा रहा है सर्कल से, तो सर्कल से अगर बाहर निकल जा रहा है तो उसमें आप 360 ऐड कर दोगे। तो याद रखना यदि इस फॉर्मूले से
फॉर्मूले से एंगल की वैल्यू निगेटिव आती है तो उसे एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, तो उसे एक्सटीरियर एंगल कहा जाएगा, याद रखना। तब वो इंक्लूडेड नहीं होने का, वो क्या कहलाएगा उस केस में, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। और हमें निकालना है इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर एंगल निकालना है। तो इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए उसमें प्लस 360 कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप याद रखोगे उसमें हम 360 डिग्री जोड़ देंगे, जिससे हमें इंक्लूडेड एंगल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो याद रखोगे ये। तो अब ये क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं, इसको नोट करोगे। क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन आता है कि WCB ऑफ लाइंस AB एंड BC, हमारे पास AB एंड BC लाइंस दे रखी है और उनकी WCB आपको गिवन है 30 डिग्री 15 मिनट एंड 120 डिग्री 30 मिनट। आपको एक लाइन की WCB दे रखी है AB और BC, ये आप देख रहे हैं AB और BC, A से B की ओर और B से C की ओर, तो हम क्लॉकवाइज बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, तो मतलब ये फॉर्मेलिंग दी गई है। देखो भाई, ये A आएगा और कहीं B आएगा, कहीं C आएगा, तो आप A से B की ओर गए, B से C की ओर आगे की ओर बढ़े, ना कि पीछे हट गए, तो मतलब ये फोर बेरिंग आपको दी गई है। क्लियर, यहाँ पे कौन सी बेरिंग दी गई है, फोर बेरिंग दी गई है। लेकिन क्वेश्चन जब हम करते हैं, फ्रेंड्स हमें तो दोनों बेरिंग चाहिए, फोर बी और बैक बी, तो ये आपको फिलहाल इतना याद रखो। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज इंक्लूडेड एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनेगा, ABC, ABC एंगल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखना, पहले इस बेरिंग को देखते हैं, AB दिया है इसने, ये हमारे पास A और ये हमारे पास B, इसने कहा है BC, ये हो जाएगा इधर BC, दोनों A से B की ओर जा रही है, मतलब फोर बेरिंग है। तो हमारे पास पहली बेरिंग दी है ये 30 डिग्री 15 मिनट, दूसरी लाइन की बेरिंग BC की भी फोर बेरिंग दी है, यानी कि यहां से यहां तक ये दी है 120 डिग्री 30 मिनट। फ्रेंड्स आप देख रहे कि जो ये बना है ये आपका किस दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई ट्रेवर्स बनता है फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं कि जो उसका इंक्लूडेड एंगल है वह एक्सटीरियर एंगल ही, यानी कि ये वाला एंगल ही आगा क्या कहलाएगा, इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा, इसको कहेंगे हम इंक्लूडेड एंगल। तो ये निकालना है हमें, ठीक है। तो जब आप इसको निकाल लोगे, एंगल ABC आप निकाल लोगे, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन की क्या चाहिएगी, फोर बेरिंग, और प्रीवियस लाइन की क्या चाहिएगी, बैक बेरिंग, ये चाहिएगी हमें। तो यहां पर दोनों ही लाइन की फोर बेरिंग गिवन है, बैक बेरिंग तो दी ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम बैक बेरिंग निकाल सकते हैं। हमें नेक्स्ट लाइन की फोर बेरिंग तो गिवन है 120 डिग्री 30 मिनट, माइनस प्रीवियस लाइन कौन सी होगी भाई, ये नेक्स्ट लाइन बनेगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये आपकी प्रीवियस लाइन हो जाएगी। इतना कुछ आपको वहां पे क्वेश्चंस में नहीं करना, ये तुम्हारे समझाने के लिए है, आपको तो डायरेक्ट आंसर दे देना है उसको। तो ये प्रीवियस लाइन होगी AB और ये BC आपकी नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन की फोर बेरिंग दे दी। अब प्रीवियस लाइन की आपको बैक बेरिंग चाहिए, हमें प्रीवियस लाइन की फोर बेरिंग दी गई है 30 डिग्री 15 मिनट। अभी आपको मैंने लिखवा दिया है कि यदि फोर बेरिंग 180 डिग्री से कम है, तो बैक बेरिंग निकालने के लिए उसमें 180 डिग्री जोड़ देते हैं, और यदि फोर बेरिंग 180 डिग्री से ज्यादा है, तो बैक बेरिंग निकालने के लिए 180 डिग्री घटा देते हैं। समझ में आ गई ना बात,
तो हमारे पास फोर बेरी ले रखी है 30 डिग्री 15 मिनट, हमें चाहिए बैग बेरी। तो बैग बेरी निकालने के लिए चूंकि 180 से कम है तो इसमें आप प्लस 180 कर दो, अब सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यह आंसर आ रहा है यहां से 270 डिग्री 15 मिनट, 270 डिग्री 15 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे कैसा आया होगा, देखो जब इसको आप जोड़ दोगे 180 में 30 कर दोगे तो ये इससे इंक्रीज हो जाएगा, तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में वैल्यू लगभग आपके पास 89 डिग्री 45 मिनट आएगी। हमें निकालना इंक्लूडेड ये बन गया क्या, एक्सटीरियर, ये आपका क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। हमें इसको क्या में बदलना है, इंटीरियर में बदलना है। तो आप क्या काम करो, इसमें जो ये आपके पास वैल्यू आई है 89 डिग्री 45 मिनट, इसमें प्लस कर दो 360 डिग्री, तो आपका क्या बदल जाएगा, इंटीरियर बदल जाएगा। तो अब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 270 डिग्री 15 मिनट, ये आपका आ गया इंटीरियर या इनक्लूडेड आंतरिक। क्लियर फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपकी ये समझ में आया होगा। क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये कह रहा है कि आपको एंगल बताना है एबीसी और फोर बेरिंग दे रखी है, एबी की फोर बेरिंग दे रखी है आपको 40 डिग्री, और बैक बेरिंग दे रखी है किसकी, बीसी की बैक बेरिंग दे रखी है 280 डिग्री। देखना, ये हमारे पास एबी लाइन और ये हमारे पास बीसी लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, हमें एबी की फोर बेरिंग गिवन है, मतलब ये वैल्यू आपको गिवन है 40 डिग्री, और बीबी किसकी गिवन है, बीसी की, बीसी की बैक बेरिंग, बीसी की बैक बेरिंग का मतलब ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है 280 डिग्री। फॉर्मूला क्या कहता है, एबीसी फॉर्मूला ये कहता है कि नेक्स्ट लाइन की फोर बेरिंग, ये नेक्स्ट लाइन और ये प्रीवियस लाइन, फोर बेरिंग ऑफ बीसी, बीसी की फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग ऑफ एबी, एबी की बैक बेरिंग, ये तो फॉर्मूला कहता है फ्रेंड्स। तो बीसी की फोर बेरिंग और एबी की बैक बेरिंग, यहां पर इसने अपोजिट करके दे रखा है, हमें क्या काम करा है इसने, बीसी की फोर बेरिंग, बीसी ये रहा है, बीसी की बैक बेरिंग दे रखी है, मतलब फोर बेरिंग नहीं दे रखी। तो जब फोर बेरिंग नहीं दी होती, फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता है ना, ये प्लस माइनस 180 डिग्री। ये अब यहां पर जो फोर बेरिंग दे रखी है 280 डिग्री दे रखी है आपको, बैक बेरिंग, सॉरी बैक बेरिंग 280 डिग्री दे रखी है, फोर बेरिंग निकालने के क्या काम करो, आप इसमें से 180 माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि 280 डिग्री ये सेम, इसे आप फोर बेरिंग में बदलने के लिए 180 में से घटा दोगे, 180 में से इसे आपने घटा दिया। ऐसा क्यों किया, देखो यहां पर वैल्यू आपको दे रखी है, ये 280 डिग्री दे रखी है, इसमें आपने अगर प्लस माइनस लेते हो इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा 200 300 300 400, ये तो बहुत हो गया भाई, एंगल ही हमारा 360 तक होता है और ये तो आपका 400 कुछ पहुंच जा रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा है। तो अगर हम यहां पर माइनस ले तो इसको हम एंगल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अगर हम यहां पर प्लस ले तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाने पर 80-80 खत्म, ये बच गया आपका ये, तो ये आपकी जो एंगल रीडिंग अभी जो बची है ये 360 से कम है, यानी कि आपके क्राइटेरिया के अंदर है, तो इसलिए हम यहां पर इस 280 में से 180 माइनस कर रहे हैं फ्रेंड। क्लियर, और बैक बेरिंग ऑफ एबी, एबी की बैक बेरिंग, एबी की फोर बेरिंग दी है, इसकी बैक बेरिंग निकाल दो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, फोर बेरिंग 180 से कम है तो 180 जोड़ देना है, 180 ज्यादा है तो 180 घटा देना है, ये कम है तो आप 40 डिग्री में प्लस 180 डिग्री कर दो। क्लियर, समझ में आ गई बात, तो इधर आपके आ जाएगा ये 100 डिग्री माइनस, ये आपका जाएगा 220 डिग्री, इसको आपने सोल्व किया तो आ गया माइनस 120 डिग्री, माइनस 120 डिग्री जो कि एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ये कैसा एंगल कहलाएगा, फिलहाल ये आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, इंक्लूडेड बदलने के लिए आप इसमें 360 जोड़ दोगे,
क्लियर फ्रेंड, 360 इसमें आप प्लस कर दोगे तो आपके पास जो एंगल आप बचेगा ये आपका जाएगा इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इन्हीं में ही लॉजिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। क्लियर फ्रेंड्स, इन्हीं में ही लॉजिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा, हम कल पूरे लेक्चर्स पूरी वीडियो में सर्वेइंग के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के। क्लियर फ्रेंड्स, कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल केवल और केवल हम फोर बेरिंग और बैक बेरिंग से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, यहीं पे बोर्ड पे ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी में नहीं कराऊंगा, बोर्ड पे कराऊंगा। क्लियर, ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।